हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को हेल्प करने के लिए मैं ये कोल इंडिया लिमिटेड MTHR 2020 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का वीडियो चला रहा हूँ। तो ये इस जो वीडियो सीरीज है, इसका थर्ड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मैं चार वीडियो में कवर कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी जो 25 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लेबर लॉज या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल ही एग्जाम लेवल का है, अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 18 लेबर लॉज कवर किया गया है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो 15 चैप्टर्स है वो यहाँ पे कवर किया गया है। कुल मिला के दोनों को करीब 1200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट 3 MTHR का क्वेश्चन पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इवेंचुअली द 51th क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्लीनलीनेस ऑफ ए फैक्ट्री इज कवर्ड अंडर। तो फैक्ट्री का क्लीनलीनेस यहाँ पे कौन से एक्ट के अंडर यहाँ पे कवर किया गया है? तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत आपका आता है क्लीनलीनेस जो प्रोविजन आपका है। तो ये कौन से आपका चैप्टर में आता है? ये आपका हेल्थ प्रोविजन में आता है। हेल्थ प्रोविजन आपका कितने नंबर का चैप्टर है फैक्ट्री एक्ट का? हेल्थ प्रोविजन ये चैप्टर 3। तो फैक्ट्री एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है, इसमें कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? यहाँ पे कुल मिला के 11 चैप्टर्स कवर किए गए हैं टोटल। तो ये जो आपका हेल्थ प्रोविजन है, ये सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 20 तक है, ठीक है। तो आपका जो क्लीनलीनेस जो प्रोविजन है, ये आपका सेक्शन 11 है। तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सेक्शंस तो पूछे जाते हैं सारे ही एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी रिलेशनशिप प्रीवेलेंट। तो कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे लाइन और स्टाफ का अथॉरिटी रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया गया है? तो ये यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवेलेंट है, बाकी तीनों जो है यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ का कोई भी अथॉरिटी रिलेशनशिप होता नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन विच द इक्विपमेंट और मेथड्स दैट आर हाईली सिमिलर टू दोज यूज ऑन द जॉब। तो यहाँ पे कौन सा मेथड है जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? ये ऑन द जॉब नहीं है, पर यहाँ पे जो इक्विपमेंट और मेथड्स यूज किए जाते हैं, ये जॉब के तहत जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो इससे बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो ये आपका है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व एनी टिपिकल प्रॉब्लम्स। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आइडियाज जनरेट किए जाते हैं थ्रू शेयरिंग नॉलेज, ओके। तो ये आपका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसका तो करेक्ट आंसर है ही। बाद में आपका है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है? ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। सो हियर ट्रेनीज स्पेंड ए प्रेस्क्राइब्ड टाइम वर्किंग विथ एन एक्सपीरियंस्ड गाइड और कोच और ट्रेनर, ठीक है। तो ट्रेनी जो होते हैं यहाँ पे ट्रेनर के साथ या फिर कोच के साथ या फिर गाइड के साथ कोई भी काम करते हैं कुछ टिपिकल कुछ प्रेस्क्राइब पीरियड तक, उसको हम बोलेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एक और है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग यहाँ पे इसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपका एक ऑफ द जॉब है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ओके। तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है? इट इज ए ग्रुप ट्रेनिंग मेथड दैट यूजेस इंटेंसिव पार्टिसिपेशन एंड गिव इमीडिएट फीडबैक। तो ये एक ग्रुप ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इसको हम बोलेंगे टी ग्रुप ट्रेनिंग। तो टी ग्रुप ट्रेनिंग से आपको पता चल जाता है ये ग्रुप ट्रेनिंग मेथड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेनीज होते हैं, जो एम्प्लॉयज पर्टिकुलरली होते हैं, वो इंटेंसिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड गिव इमीडिएट फीडबैक। तो यहाँ पे वो जो इन्वॉल्व होते हैं उनको इमीडिएटली फीडबैक दिया जाता है कि आपका क्या
ज़रूरी है आपको परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसकी रिगार्डिंग उसको फीडबैक दिया जाता है, तो उसी रिगार्डिंग वो चेंजेस सेल्फ एनालिसिस करके अपने परफॉर्मेंस में ये चेंजेस लाते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अदरवाइज टी ग्रुप ट्रेनिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 55, एस इज ए वन टाइम पे ऑफर्ड व्हेन एन एम्प्लॉई इज टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेशन के टाइम एक वन टाइम पे यहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सेवरेंस पे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ देम इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो यहाँ पे जो तीनों दिया गया है, स्टेटस या फिर प्रमोशन या फिर पार्टिसिपेशन, ये तीनों आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। यहाँ पे सही आंसर आपका है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या है? यहाँ पे एम्प्लॉई को एक राइट दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कि वो कुछ शेयर्स यहाँ पे परचेज करे इन लीव ऑफ सैलरी इन द कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, तो ये कितना शेयर परचेज करेगा ये एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। तो एम्प्लॉई का एक इसको एम्प्लॉई को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जाता है या फिर एम्प्लॉई को एक राइट दिया जाता है जो कंपनी होता है उसका कुछ शेयर परचेज करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑप्शन। तो इसी हिसाब से एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट चेंज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो प्लांट चेंज पहले से ही प्लांट करके जो चेंज हम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट चेंज। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता, बेसिकली क्या नहीं होता यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंक्लूड होता है प्लांट चेंज में, पीपल भी इंक्लूड होते हैं, स्ट्रक्चर भी प्लांट चेंज में इंक्लूड होते हैं, ये तीनों यहाँ पे प्लांट चेंज में इंक्लूड होते ही होते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंट का कोई भी इंक्लूजन होता नहीं है, कोई भी यहाँ पे एनवायरमेंट का यहाँ पे रोल नहीं होता। तो इसी हिसाब से एनवायरमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी डेज और डैश डेज ऑफ नोटिस हैज टू बी गिवन और हैज बीन गिवन बाय द ऑक्यूपायर टू क्लोज डाउन ए फैक्ट्री। कितने दिन के नोटिस यहाँ पे दिए जाते हैं इन एडवांस फैक्ट्री को क्लोज डाउन करने से पहले ऑक्यूपायर के द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है 60 डेज। तो ये आपका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 25FFA में, ठीक है। ये सारे सेक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजन बेसिकली आपको याद रखना चाहिए। तो सेक्शन 25FFA जो आपका है ये आपका जनरल प्रोविजन में आता है। तो दिस सेक्शन कैन ओनली बी एप्लीकेबल इफ़ देयर इज 50 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड, बट दोज वर्कमैन मस्ट बी लेस देन 100। ओके, इफ़ द वर्कमैन इज 100 और मोर देन देयर विल बी स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन्स तो जनरल प्रोविजन के अंदर यहाँ पे 60 डेज है, और स्पेशल प्रोविजन अगर 100 और मोर वर्कमैन यहाँ पे हो गए तो वहाँ पे आपका स्पेशल प्रोविजन लागू हो जाएगा। स्पेशल प्रोविजन आपका 25O में है जो क्लोज डाउन ऑफ फैक्ट्रीज का, ठीक है। तो उसके अंदर आपका 90 डेज का यहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा एम्प्लॉयर को या फिर ऑक्यूपायर को, 90 दिन से पहले यहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा कि हमको क्लोजर करना है या फिर नोटिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 60 डेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये जनरल प्रोविजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। कौन सा यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल का एक टेक्निक है? क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस आपका फाइनेंशियल कंट्रोल का एक टेक्निक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपका एक ट्रेडिशनल टेक्निक है फाइनेंशियल कंट्रोल का, जहाँ पे जो भी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। तो ये एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट में यहाँ पे जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता या फिर कोई भी लॉस नहीं होता, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो और एक यहाँ पे है एबीसी एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? एबीसी एनालिसिस पर्टिकुलरली इट इज एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स, इन्वेंटरी आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इंपोर्टेंस टू द बिजनेस। तो ये आपका है एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक आपका है एबीसी एनालिसिस, पर ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल कंट्रोल का एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्कर्स आर डिसवेडेड फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग सर्टन मैन एट द फैक्ट्री गेट्स सच एज, सच ए स्टेप इज नोन एज। तो यहाँ पे फैक्ट्री गेट में कुछ लोगों को वो रख देते हैं और
बाकी जो वर्कर हैं उनको काम करने के लिए नहीं जाने देते। तो ये जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे पिकेटिंग, ठीक है। तो पिकेटिंग तो ये हो गया, बाकी लॉकआउट क्या है? लॉकआउट इज ए टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर मना करता है, कोई भी नंबर ऑफ वर्कर वो पहले से एम्प्लॉय कर रहा था, अगर वो मना कर देता है उस वर्कर को एम्प्लॉय करने के लिए, या फिर वर्क को अगर वो सस्पेंड कर देता है, या फिर उस प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अगर वो टेम्पररीली क्लोज कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे लॉकआउट, ठीक है। तो स्ट्राइक है, क्या है स्ट्राइक? आपका है कंसर्टेड रिफ्यूजल बाय बॉडी ऑफ वर्कर्स और पर्संस और एम्प्लॉयर, और स्ट्राइक बेसिकली इज ए सेसेशन ऑफ वर्क ऑन ए टेम्पररी बेसिस। तो यहाँ पे और एक भी है जो कि आपका है घेराव। घेराव में क्या होता है कि वर्कर्स प्रिवेंट करते हैं एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर्स को वर्क प्लेस से बाहर जाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको इनसर्कल कर देते हैं। बेसिकली जो एंट्री पॉइंट्स होता है उसको बंद कर देते हैं वर्क प्लेस से बाहर जाने के लिए। उनका कुछ अगर डिमांड्स होता है, वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये सब करते हैं। जब तक वो डिमांड्स फुलफिल नहीं होता तब तक ये एम्प्लॉयर और वर्कमैन को वर्क प्लेस से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बर्नआउट। ये क्वेश्चन आपका बर्नआउट के बारे में है। बर्नआउट इज ए कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एट वर्क प्लेस, द टोटल डिप्लीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्सेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्ट्राइविंग टू रीच एन अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड गोल। तो यहाँ पे कंप्लीटली फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज का डिप्लीशन या फिर एग्जॉशन हो जाता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज दोनों, ठीक है। क्यों ये होता है? यहाँ पे एक्सेसिवली उनको एक अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड गोल को फुलफिल करने के लिए फोर्सफुली यहाँ पे उनको बोला जाता है, तो उसी हिसाब से वो बर्नआउट हो जाता है कोई भी वर्कर, फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ए स्प्रेड ओवर डज नॉट एक्सीड मोर देन। तो स्प्रेड ओवर जो होता है सेक्शन 56 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, इतने समय से यहाँ पे एक्सीड नहीं करता। तो ये नॉर्मल केसेस में 10.5 hours इन ए डे से ये एक्सीड नहीं करता नॉर्मल केसेस में, पर यहाँ पे अगर एग्जेम्प्टिंग रूल्स कुछ दिया होगा तो उसी हिसाब से उसको लगेगा 12 hours मैक्सिमम स्प्रेड ओवर रह सकता है। अगर एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स के केस में ये रह सकता है 13 hours, ठीक है, पर नॉर्मल केसेस में ये आपका है 10.5 hours इन ए डे। सो यहाँ पे नॉर्मल केसेस ही दिया गया है, कोई भी एग्जेम्प्टिंग रूल्स या ऑर्डर्स नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज प्रपोज्ड दैट अचीवमेंट नीड कैन बी डेवलप्ड। तो यहाँ पे अचीवमेंट नीड, तो यहाँ पे डेविड मैक्लेलैंड दिए थे अचीवमेंट नीड थ्योरी। तो यहाँ पे तीन टाइप का नीड ये दिए थे, नीड फॉर अचीवमेंट, देन नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशन। ये तीनों नीड के तहत ये मोटिवेशन को असेस किए थे, ठीक है, अफिलिएशन। तो नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड अफिलिएशन, ये तीनों आपका है डेविड मैक्लेलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में इम्पोर्टेंट नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में किसी भी तरीके का इम्पोर्टेंस नहीं रखता। एनवायरमेंट का इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहता है, टेक्नोलॉजी का भी रहता है, स्ट्रेटेजी का भी रहता है, और एक पॉइंट आपका है जो कि आपका है इंटरनल कॉन्टिनजेंसीज, ठीक है, इंटरनल कॉन्टिनजेंसीज। इसके अंदर आपका क्या आता है, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एम्प्लॉई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपका आता है इंटरनल कॉन्टिनजेंसीज के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी एंड इंटरनल कॉन्टिनजेंसीज, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल ग्रीड हैज बीन डेवलप्ड बाय। तो मैनेजरियल ग्रीड यहाँ पे रॉबर्ट ब्लेक एंड मोटन, ये दोनों दिए थे मिलके मैनेजरियल ग्रीड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब ग्रेडिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जॉब ग्रेडिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन आर कॉमन्स वॉज द फाउंडर ऑफ। तो यहाँ पे जॉन आर कॉमन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फाउंडर थे,
तो जॉन आर कमन्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उनको बुलाया जाता है कि सिडनी वेब ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, जॉन आर कमन्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस गेम क्या है। बिजनेस गेम इसका करेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। बिजनेस गेम इज ए क्लासरूम एक्सरसाइज वेयर ए नंबर ऑफ ट्रेनीज कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये बिजनेस गेम क्या है, यहाँ पे ये क्लासरूम एक्सरसाइज है, क्लासरूम में किया जाता है। कुछ ट्रेनिंग के बीच यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव या फिर गोल या फिर टास्क यहाँ पे अगर दिया जाता है तो कुछ ट्रेनिंग के बीच यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, इसको हम बोलेंगे बिजनेस गेम्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर ब्रूम हैज गिवन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो ब्रूम का जो थ्योरी था उसको हम बोलेंगे VIE। तो यहाँ पे वी फॉर वैलेंस, आई फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ई फॉर एक्सपेक्टेंसी। तो इसी हिसाब से इस थ्योरी को बोला जाता है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटलिटी ही दिया है, तो इंस्ट्रूमेंटलिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच टाइप ऑफ लीडरशिप हैज द रिसेंट एम्फेसिस बीन पुट। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों पे हमको इस क्वेश्चन में फोकस करना है। एक तो आपका है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, दूसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, ये दोनों चीज़। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमको जानना है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है ये क्या करता है, सिर्फ सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको डायरेक्ट करता है, और ऑब्जेक्टिव को वो जब अचीव कर देते हैं उनको कुछ रिवार्ड देता है। सो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ओनली डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स एंड गिव्स रिवार्ड्स टू देम ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपका है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इंस्पिरेशन नहीं देता, ठीक है, ये बस डायरेक्ट करता है। देन आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यहाँ पे सबॉर्डिनेट को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि ये जो लीडर होते हैं उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक क्वालिटी रहता है उनके अंदर। ये जो लीडर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर कैरिस्मेटिक इन नेचर, सो दे इंस्पायर फॉलोअर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर फॉलोअर्स एंड दे क्रिएट ए कल्चर दैट अलाउज पीपल टू लर्न एंड ग्रो। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेसिकली इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग द सबॉर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग न्यू कल्चर इन व्हिच द सबॉर्डिनेट्स कैन लर्न एंड ग्रो ऑन देयर ओन। ओके, सो दे बेसिकली ट्रांसफॉर्म द सबॉर्डिनेट्स, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड दे हैव कैरिस्मेटिक इफेक्ट ऑन देयर फॉलोअर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे एक अथॉरिटी का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, ये आपका अथॉरिटी का कोई भी सोर्स नहीं है। तो ये तीनों आपका है ऑर्गेनाइजेशनल पोजिशन, कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन, एक्सेप्टेंस बाई सबॉर्डिनेट्स, ये तीनों आपका अथॉरिटी का सोर्स है। तो ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल पोजिशन, तो इसके अंडर आपका आता है बेसिकली स्टेक होल्डर्स, ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड, बेसिकली जब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और आपका जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD जिनको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और ये तीनों जो है, ये तीनों तीन थ्योरी के अंडर आपका आता है। बेसिकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल पोजिशन जो डिटरमाइन करता है वो आपका है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन को डिटरमाइन करता है, जो कि आपका डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है। और जो आपका कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन है, ये आपका कॉम्पिटेंस अथॉरिटी थ्योरी है। और आपका एक्सेप्टेंस बाय सबॉर्डिनेट्स आपका है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी थ्योरी। ये तीनों थ्योरी तीनों को यहाँ पे डिटरमाइन करता है, तीनों सोर्सेस को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज, तो स्टाफ अथॉरिटी यहाँ पे एडवाइस देता है, तो वर्क्स एज एडवाइस ऑन सर्टन मैटर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सो द लास्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस लेफ्ट। अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेशनल फैक्टर या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपका एक हाइजीन फैक्टर है, इंटरपर्सनल रिलेशंस भी एक हाइजीन फैक्टर है, कंपनी पॉलिसी यहाँ पे हाइजीन फैक्टर है, और भी कुछ हाइजीन फैक्टर मैं आपको बोल देता हूँ, जैसा कि आपका सुपरविजन एक आपका हाइजीन फैक्टर है, सैलरी
टू ए लार्जर एक्सटेंट इट इज ए हाइजीन फैक्टर, बट सैलरी कैन बी ए मोटिवेशनल फैक्टर टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपर आरो मार्क दे देता हूँ, सैलरी टू ए लार्जर एक्सटेंट इज ए हाइजीन फैक्टर। देन स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सब आपका जॉब सिक्योरिटी तो है ही, इधर स्टेटस भी आपका एक हाइजीन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, वर्क इटसेल्फ इज ए मोटिवेशनल फैक्टर। देन द अचीवमेंट इज ए मोटिवेशनल फैक्टर, रिकॉग्निशन इज ए मोटिवेशनल फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल फैक्टर, सैलरी टू सम एक्सटेंट इज ए मोटिवेशनल फैक्टर। यहाँ पे मैं लोअर आरो दे रहा हूँ क्योंकि सैलरी टू सम एक्सटेंट ओनली, बट टू ए लार्जर एक्सटेंट इट इज ए हाइजीन फैक्टर। देन एडवांसमेंट इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल फैक्टर एंड ग्रोथ इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे ये सारे आपका है हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर, ये सबको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टे इन स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज, तो स्टे इन स्ट्राइक जो है इसको हम बोलेंगे टूल्स डाउन स्ट्राइक। तो बाकी सारे स्ट्राइक के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में और भी आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका वहाँ पे मौजूद हैं, उसका एनालिसिस, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।